सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है बच्चों, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ये सिंगल जीन कंट्रोल होता है एक पेयर ऑफ एलील से, HBA HBS। अगर किसी इंसान में HBA HBS कॉम्बिनेशन मौजूद है तो वो इंसान कैरियर होगा सिकल सेल एनीमिया के लिए। HBA HBA कॉम्बिनेशन है तो अनअफेक्टेड होगा, लेकिन HBS HBS होमोजाइगस स्टेट है तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा। बच्चों इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसकी सिक्स पोजिशन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन। GAC कोडोन रिप्लेस हो जाता है GUC कोडोन से। इस चेंज की वजह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन के कारण जो हमारी बाइकॉन की डिस्क शेप्ड RBCs होती है वो अब सिकल शेप की हो जाती है। ये सिकल शेप RBCs ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है बच्चे, क्योंकि बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रिसीव नहीं हो पा रहा है। इसके कारण फटीग, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं।